शहर के मुरलीधर बागला कॉन्वेंट हाई स्कूल में विद्यार्थियों को अनाज का वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते कई लोग आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो वहीं कई समाज से भी आगे आकर लोग जरूरतमंदों में अनाज का वितरण भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र शासन के आदेश के मुताबिक शालेय पोषण आहार का वितरण कक्षा 5 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के मुताबिक शहर के मुरलीधर बागला कॉन्वेंट हाई स्कूल में अनाज वितरण किया जा रहा है, जिसमें चावल और दाल का समावेश है। 21, 22 और 23 यह 3 दिन बालकों के आधार कार्ड पर उन्हें अनाज दिया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी मुख्याध्यापक रमेश पाई परे ने दी। इस समय उमेश पंधरे, गाय धुने, संध्या राउत, अश्विनी पिंपड़ापुरे, प्रांजलि पटकेलवार, फरहाना बेग, शेख किरण भोयर इनकी उपस्थिति रही। महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार शालेय पोषण आहाराचे वितरण वर्ग 5 ते 8 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना, शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना देण्याचे निर्देश दिल्याप्रमाणे आज आम्ही दिनांक 21, 22, 23 सर्व पालकांना त्यांचे आधार कार्ड घेऊन बोलावलेले आहे आणि त्यानुसार तांदूळ डाळी चे वाटप आम्ही करत आहोत। कोणत्याही लहान विद्यार्थ्यांना आम्ही येण्यास बंदी घातलेली आहे। सोबतच पालकांचे आधार कार्ड बघून त्यांच्या साक्षऱ्या घेऊन आम्ही धान्याची वितरण करीत आहोत।